हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में सॉलिड स्टेट पे अब काम शुरू कर चुका हूं और इस वीडियो में अच्छा कनेक्टिविटी की बात करता हूं। और हमेशा ख्याल रखें, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें तो आप उस सॉलिड स्टेट चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज मेरा जो टॉपिक है, बेसिकली हम उस पर ध्यान देना है कि अभी अब तक हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और मैंने पीछे अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड्स। अब जो आज टॉपिक है मेरा, बेसिकली टाइप्स ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। तो आज का मेरा रियल टॉपिक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। तो ऐसे करके ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं वापस। इसमें टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप कहलाता है सिंपल क्यूबिक कहते हैं, या इसी को हम प्रिमिटिव के नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर आप कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, देखिए ये यूनिट सेल है हमारे पास, थोड़ा सा हमें थ्री डायमेंशनल पिक्चर में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थ्री डी में इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये मैंने यूनिट सेल लिया, मतलब लैटिस के साथ लैटिस के अंदर बहुत सारे एटम्स थे। अगर सारे एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सारे, तो इसका मतलब इस टाइप का यूनिट सेल कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब रहा सवाल कि इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के इनसाइड जाता है, दैट इज 1/8 पार्ट। क्योंकि जब 3D में आप आएंगे इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे आप, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। एक यूनिट सेल अगर आप देखें तो एक इधर से इधर जाएंगे, उधर भी जाना पड़ेगा आपको, तो पीछे की तरफ, तो आप पाएंगे तकरीबन ये अकेला एक एटम, एक यूनिट सेल यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां, तो चार ऊपर और चार इसके नीचे। तकरीबन हम देखते हैं कि वन एटम, या ऐसे कह सकते हैं कि एट यूनिट सेल शेयर्ड वन एटम, जो कॉर्नर्स वाले होते हैं, दीज आर द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के याद रखिए, कॉर्नर्स के हमेशा आपको वन एटम एट यूनिट सेल में जाएंगे। इसका एक हिस्सा इधर गया, एक दो तीन और चार, तो चार ऊपर और चार इसके नीचे वाले, टोटल हो गया एट। तो वन यूनिट सेल कितना शेयर करेगा, 1/8 पार्ट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आप निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हर कॉर्नर में यहां पे आठ एटम है और सारे एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कट करने के बाद हमारे पास वन एटम आएगा। इसका मतलब जो यूनिट सेल के अंदर जो एटम का एरिया है वो सिर्फ वन एटम के एरिया के बराबर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड, अगर आप देखें, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीसीसी भी कहते हैं, इसको एससीसी भी सिंपल क्यूबिक कह सकते हैं। इससे बीसीसी में खास बात क्या है, देखिए अगर हमारे पास यूनिट सेल है, पहली बात बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में क्या है इस बॉडी के सेंटर पे, मतलब ये समझिए किसी बॉक्स के सेंटर पे, कोई तो बॉक्स अगर आपने लिया तो उसके बिल्कुल सेंटर पे एक एटम यहां प्रेजेंट होगा। तो आप जानते हैं कि कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें कितने होंगे, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आप कह सकते हैं वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम हम देखें तो 8 × 1/8 कॉर्नर वाले की बात की, प्लस एक वन एटम, दैट इज कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएंगे 2 एटम। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम के बराबर एरिया इनसाइड आता है, बाकी सब बाहर चले जाते हैं। भले यहां पे आपको 9 एटम दिखाई दे रहे होंगे, बट एक्चुअली 9 एटम नहीं, बल्कि सिर्फ इसका जो एरिया इनसाइड द यूनिट सेल है वो सिर्फ आपको 2 एटम के बराबर है। थर्ड टाइप पे अगर आप आएंगे, थर्ड टाइप इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी कहते हैं इसको। अगर आप इसका इसकी शेप बनाए, देखिए बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्या होता है, पहले ये सोचना पड़ेगा ये क्यूब है, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे। अब पहली बात, इसमें एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, ये हमें याद करना है। अब हमें फेसेस की बात करना है, देखिए नंबर 1 फेस, नंबर 2 फेस, नंबर 3 फेस, नंबर 4, और एक फ्रंट में है 5 और एक बैक साइड में ये वाला 6 फेसेस है। तो हर जगह क्या होगा आपको,
यहां पे एटम बिठाना पड़ेगा, हर फेस पे एटम है, हर फेस पे एटम प्रेजेंट है, हर फेस पे एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर आप देखें तो एक फेस आपको यह नजर आ रहा है, एक फेस के इधर एक यूनिट सेल होगा और एक इधर भी आ सकता है, बन सकता है, थ्री डायमेंशन में इमेजिन करेंगे तो आपको, तो दो यूनिट सेल को यह शेयर कर रहा है, इसका मतलब एक यूनिट सेल में हाफ पार्ट जाएगा, इसमें वन अपॉन एट पार्ट कॉर्नर, बाकी सेंटर में इसमें नहीं होते, जो बॉडी सेंटर मिड से यहां पे नहीं होते। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे जो एरिया कंट्रीब्यूट करेंगे इनसाइड, दैट इज कॉल्ड टू, आप कहेंगे 8 इंटू 1 बाई 8 प्लस 6, देखिए 6 फेसेस बनाए थे मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 इंटू 1 बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे 3, 8, 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इसमें तकरीबन आपको 4 एटम कंट्रीब्यूट करेगा। आखिरी टाइप्स की में अगर आप आएंगे यहां पे नेक्स्ट टाइप में, दैट इज कॉल्ड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको ECC कह सकते हैं, इन सेंटर। फिर देखिए मैं यहां पे एक यूनिट सेल बनाता हूं, एक तो कॉर्नर्स पे इसके होंगे होंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, हर में कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और किसी दो एंड पे एटम प्रेजेंट, या तो इस एंड पे या तो इस एंड पे, या तो यहां या तो यहां, यहां अंतर नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जाहिर सी बात है ये दो फेस पे सिर्फ एटम प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/8 पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो जेड इज कॉल्ड टू आप कह सकते हैं 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2, दैट इज कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू, आप देखेंगे 2 एटम आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस यूनिट सेल के इनसाइड जाएंगे तो हमारे पास 2 एटम के बराबर वो एरिया कंट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से आप शायद समझ गए होंगे कि एटम किस तरीके से यूनिट सेल के अंदर इनसाइड कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी को समझाने की मैंने कोशिश की। आई होप यू विल गेट द आंसर एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दीज आर द बेसिक पार्ट। अब रहा सवाल कि आप सिंपल क्यूबिक इन सेंटर्ड ये समझ चुके हैं, तो जाहिर से बात है इसके बेसिस में आप इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई यूनिट्स को कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस मैंने वीडियो में समझाया था आपको कि 7 के स्तर सिस्टम होते हैं साइड एंड एंगल के हिसाब से, अब अगर आप साथ में इसको भी आप ऐड कर देंगे, इट बिकम 14 के स्तर सिस्टम बन जाएगा। वो 14 के स्तर सिस्टम कैसे होगा मैं अभी बताता हूं आपको। क्यूबिक टेट्रागोनल क्यूट हो गया, ऑर्थो ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल हीरो, हेक्सागोनल फाइव नंबर, रोम्बोहेड्रल सिक्स नंबर, मोनोक्लिनिक सेवन नंबर, ट्राइक्लिनिक। ये मैंने 7 सिस्टम बताए थे आपको पहले प्रीवियस वीडियो में, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। अब देखिए क्यूबिक जो है 3 फॉर्म में, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड में, टेट्रागोनल सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड में, इसमें सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड इन सेंटर्ड में प्रेजेंट होंगे। हेक्सागोनल के पास सिर्फ हेक्सागोनल फॉर्म पाया जाता है, रोम्बोहेड्रल में आप आएंगे सिंपल क्यूबिक मिलेगा आपको, मोनोक्लिनिक में आएंगे सिंपल क्यूबिक इन सेंटर्ड मिलेगा, और आपके पास ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल क्यूबिक। टोटल नंबर ऑफ सिस्टम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दीज आर द 14 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं अब तक जो हमने स्टडी की है। 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। इस तरह से ब्रिवियस ने कहा कि अगर आप साइड एंगल और एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से बात करें, तकरीबन 14 क्रिस्टल सिस्टम नेचर में पाए जाते हैं। इस तरह से आपका ये टाइप ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप समझे हो, जरूर से सब्सक्राइब और लाइक करें।